प्रतिक्रमण, ये जो प्रतिक्रमण है ये महत्वपूर्ण है और इसको तो एक मूल माना गया है। प्रतिक्रमण इरियापतिक सूत्र, इसकी चर्चा हमने कल की थी लेकिन आज भी हम इसका हम पुनरावर्तन करते हैं। ये पाटी भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। ने मेरे पास एक सुझाव आया कि इस पाटी के बारे में एक बार और इनका पुनरावर्तन हो जाए तो और अच्छा रहेगा। ये इरियापतिक सूत्र, इरिया मिस चलना, पथिक मिस मार्ग और इरियापतिक सूत्र है, उसका एक दूसरा भी अर्थ होता है इरिया मिस साधवाचार, साधु का आचार। ज्ञान दर्शन चरित्र में जो विराधना हुई है उसकी सिद्धि करना। इच्छामि की पाटी है, शास्त्र में इसको लघु प्रतिक्रमण कहा गया है और लघु प्रतिक्रमण तो करना ही है। उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि जो बड़ा प्रतिक्रमण नहीं करना है, वो भी करना है। जैसे एक कागज होता है और कागज के ऊपर पेंसिल से लिखा हुआ है, आप रेजर करते हो, उसको मिटाते हो, तो क्या होता है? वो एक बार में नहीं मिटता है, उसको दो बार तीन बार मिटाते हो तब वो क्लीन होता है। वैसे ही ये प्रतिक्रमण भी क्या करना है? बार बार करना है, क्योंकि हम छद्मस्त हैं और गलतियां तो क्षण क्षण हो रही है, इसीलिए क्या करना है? प्रतिक्रमण करना है। नहीं, कोई साधारण गलती हुई है तो क्या करना है? इरियापतिक सूत्र करना है। इच्छामि मिस इच्छा करता हूं, परिक्रम्युम, परिक्रम्युम मिस प्रतिक्रमितुम, प्रति मिस वापिस, क्रमितुम मिस आना, यानी स्वभाव से विभाव में चले गए हैं। स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव तो है शांत रहना, लेकिन हम गुस्से में चले गए तो क्या करना है? वापिस आना है। हमारा स्वभाव है कि किसी के सामने जोर से नहीं बोलना, लेकिन जोर से बोल दिया तो क्या करना है? स्वभाव से विभाव में चले गए तो वापिस आना है। इरिया वैया है, यानी मार्ग में चलने आदि से होने वाली विराधना, विराणाए, ये जो विराणाए हैं, जो भी विराधना हो गई है तो उस विराधना के लिए क्या करना है? इरियापतिक सूत्र करना है। गमना गमने, जाने या अनजाने में जो भी हो गया है, तुम जैसे रास्ते में चलते हैं, रास्ते में आने जाने में जीवों की हिंसा हुई है और उस हिंसा के अतिचार से निवृत्त होने के लिए, यानी भूतकाल में जो भूल हुई है उसके लिए क्या करना है? इरियापतिक सूत्र करना है। गमना गमने, एक गमना गमने मिस किसी प्राणी को दबाकर, जो प्राणी है उसमें प्राण होते हैं, कम से कम चार प्राण होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 10 प्राण होते हैं, और प्राणी में एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी प्राणी आ जाते हैं।
बीयक कमणी, यानी बीज को दबाकर। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे बड़े बड़े गोदाम होते हैं और अन्न के ऊपर व्यक्ति चलता है, यदि बीज को दबाया हो, हरियक कमणी वनस्पति को दबाकर हरियाली के ऊपर चलना, उनको उसके ऊपर चलने से क्या होता है, निराधना होती है, उनको भी बहुत दर्द होता है, कष्ट होता है। तो ये बात हुई है कि दबाकर, पेड़ से दबाकर, उसके बाद ओसा यानी ओस की छोटी छोटी जो बूंदी गिरती रहती है ऊपर से नीचे और बाहर निकलते हैं तो कष्ट होता है उनको भी। उत्तिंग यानी कीड़ियों के बिल, पणग यानी पांच प्रकार की काई बताई गई है, उसके अंतर्गत सफेद, काली, रेड, येलो और ग्रीन, जो पांच प्रकार की जो काई है। दग मट्टी, दग मिस पानी, मट्टी मिस मिट्टी, ये दोनों से मिलकर कीचड़ बनता है। मकड़ा संताना, मकड़ी का जाल। संक्रमणे, संक्रमण मिस, इसमें बताया गया है कि आक्रमण हुआ हो, इसका मतलब पेड़ से उनको लांगा हो। किसको लांगा हो? ओस को, कीड़ियों के बिल को, पांच प्रकार की काई को, पानी को, मिट्टी को, मकड़ी के जाल को, उनको लांगा हो। जीमी जीवा, जो मेरे से जीवों की विराहिया विराधना हुई हो। अब एक कौन से जीव है? एक इंद्रिय वाले जीव। एक इंद्रिय वाले जीव में मिस, जिसके पास एक इंद्रिय है, वो भी कौन सी? स्पर्शनेन्द्रिय। उसमें पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। बेइंद्रिया यानी दो इंद्रिय वाले जीव, लट, सीप, कोड़ी आदि, जिसके पास दो इंद्रिय हैं, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय। ते इंद्रिया तीन इंद्रिय वाले जीव, जिसके पास तीन इंद्रिय है, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय। इसके अंतर्गत चीटी, मकोड़ा, जू, लीक आदि। चौरिंद्रिया चार इंद्रिय वाले जीव, जिसके पास चार इंद्रिय हैं, श्रोतेन्द्रिय को छोड़कर। और उसके अंतर्गत मक्खी, मच्छर आदि जीव आते हैं। पंचिंद्रिया, जिसके पास पांच इंद्रिया हैं, और पांच इंद्रिय वाले जीव में देखे तो सब प्रकार के जीव आ जाते हैं, नरक के जीव, देव के जीव, मनुष्य के जीव और त्रिंज के जीव, सब प्रकार के जीवों का समावेश हो जाता है। अभिहया यानी सम्मुख आने से चोट पहुंचाई हो, किससे? यानी पेड़ से लात मारी हो। अब जैसे पहले बात आई कि पेड़ से दबाया हो, दूसरी बात आई कि पेड़ से लांगा हो, और तीसरी बात आई कि पेड़ से लात मारी हो। बत्तिया धूल आदि से ढके हो। अब बच्चे भी क्या करते, खेलते हैं और कुछ जीव दिख जाते हैं, उसके ऊपर रेत डाल देते हैं, तब उनको भी कष्ट होता है, धूल आदि से ढका हो। लेसिया भूमि पर मसले हो, हाथ में लेकर मसला हो। संघाइया जीव बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको सबको और इकट्ठा कर लिया हो। संगतिया उसको छुआ हो। परियाविया उसको कष्ट दिया हो, उसको टॉर्चर किया हो। किलामिया मृत तुल्य कर दिया हो, मरा तो नहीं है लेकिन वो मरने की स्थिति जैसा कर दिया हो। उद्दविया
उसको भयभीत किया हो, चाहे डॉग हो, केट हो, किसी को भी भयभीत किया हो, ठाणाओ ठाणम संकामिया, एक स्थान से दूसरे स्थान में यतना से रखा हो, जागरूकता पूर्वक नहीं रखा हो, यदि आपको कोई जीव दिख गया और जीव को आपने उठाया तो सही, बाहर कहीं बीच में रख दिया, रखना कहाँ चाहिए, एक साइड में रखना चाहिए ताकि किसी और का पैर भी उसके ऊपर नहीं आए। जीवियाओ वरोविया, प्राण से रहित किया हो, यानी उसको जान से मार दिया हो, तस्समिच्छामि दुक्कड़म, उसका निष्फल हो मेरे पाप, यानी ये जो विराधना हुई है तो उससे क्या होना चाहिए, मेरे सब पाप क्या होना चाहिए, निष्फल होने चाहिए। ये पाटी, जब भी ऐसी क्रिया हो तो केवल तस्मिच्छामि दुक्कड़म तो ठीक है, लेकिन क्या करना, इस पूरी पाटी का कायस्थल करना है। साधु साध्वी जैसे कुछ भी क्रिया करते हैं, बाहर जाते हैं तो उनका एक नियम है, आने के बाद कायोस्तर करना। तो श्रावक भी विशेष रूप से ध्यान रखे, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी हो जाए तो क्या करना है, इरियापतिक सूत्र पूरा बोलना है। अब मिच्छामि दुक्कड़म तो बोल दिया, इरियापतिक सूत्र भी किया, और करने के बाद यदि आपने पूरे दिल से श्रद्धा से किया है तो हो सकता है कि छोटी गलती हुई, और छोटी गलती भी क्या हो, वो भी हो सकता है उसे आपके पाप धुल जाए, पर कभी ऐसा हुआ कि उससे भी आपके पाप नहीं धुले हैं तो क्या करना चाहिए। शास्त्रकार यहाँ तक नहीं रुके हैं और आगे बढ़े हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए, कायोस्तर करना चाहिए। एक कायोस्तर के अंदर है तस्स उत्तरी। अब जैसे आपने एक घंटे का चोव्यार का प्रत्याख्यान किया, और चोव्यार का प्रत्याख्यान तो किया लेकिन भूल से आपने आधे घंटे के बाद खा लिया, और खाने के बाद पता चला कि मुझे तो अभी चोव्यार का प्रत्याख्यान था, आपने तुरंत बोला मिच्छामि दुक्कड़म, आपने क्या किया, अतिचार किया, आपकी जागरूकता थी और आपने खाया तो सही, और फिर आपने सोच लिया कोई बात नहीं, बाद में और दो घंटे का कर लूंगा, आप ये क्या है, अनाचार है। आपने उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। उस प्रायश्चित के लिए क्या है, उसके लिए है कायस्थ प्रतिज्ञा। सबसे पहले हम इस पाटी का उच्चारण करेंगे, तस्स उत्तरी करणेनम पायच्छित करणेनम विसोही करणेनम विसल्ली करणेनम पावाणम कम्माणम निग्गाय नट्ठाय ठामि कौस्तकम् अन्नत्थ ऊससीयणम नीससीयणम खासीयणम क्षीयणम जम्भायेणम उड्डुवणम वाय निस्सगेणम बम्मलिये पित्तमुच्छाय सुहुमहिम अंगसंचालेहिम सुहुमहिम खेलसंचालेहिम सुहुमहिम दिट्ठिसंचालेहिम एवमायेहिम आगारेहिम अवग्गो अविरायो होज्यमे कौस्तकम् जाव अर्हन्ताणम् भगवन्ताणम् नमोकारेणम् न पारेमि तावकायम् ठाणेणम् मौनेणम् जानेणम् अप्पाणम् वोसिरामि। तस्स उत्तरीकरणेणम्, तस्स उत्तरीकरणम् करना है। अब आपने एक्टिविटी की, चल रहे थे, और चलने के बाद जो दोष लगा उसने भी आपने क्या किया, मिच्छामि दुक्कड़म तो किया, अने उससे भी पाप नहीं धुले हैं, तो उसको तस्मिस उसको
उत्तरीकरणम, उसको श्रेष्ठ यानी उत्कृष्ट बनाने के निमित्त उसको और अधिक निर्मल बनाना है, अपने पापों को और अधिक निर्मल बनाना है। ये जो तस्त उत्तरीकरणम है ये तो शुरुआत है। भाई बहन मूवी देखते हैं और मूवी की तो शुरुआत करते हैं, उससे पहले क्या होता है, क्यूरियोसिटी होती है कि उसका एंड क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस तस्त्री का एंड क्या है, कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग करना है। और कायोत्सर्ग में भी क्या करना है, उस कायोत्सर्ग के अंदर 16 भावनाओं का चिंतन करना है कि मेरी आत्मा कर्मों से मलिन बनी हुई है, आत्मा के कारण ही तो कर्मों का बंधन होता है, मैं कितने ऐसे कर्म से बंधी हुई है, तो मैं कौन सी ऐसी एक्टिविटी करूं कि जिससे मेरी आत्मा प्योर हो सके, उसके लिए क्या करना है, ध्यान में चिंतन करना है। अब चिंतन की बात आती है तब तो ध्यान में चिंतन करना और उसमें तो पूरी दुनिया दिखने लग जाती है। तब आचार्यों ने क्या किया, उस ध्यान में लोगस का समावेश कर दिया कि लोगस का ध्यान करना है। लोगस की जगह, एक लोगस की जगह आप चार नौकार मंत्र का भी ध्यान कर सकते हो। और लोगस में क्या करना है, 24 भगवान के जो गुण है उनका स्मरण करना है। यदि उनके गुण का स्मरण करोगे तो उनके गुण भी हमारे भीतर आएंगे, उनके गुण कम नहीं होंगे, हमारे भीतर आएंगे। तो हमको क्या करना है, लोगस में 24 भगवान के जो गुण है उनका स्मरण करना है। जैसी संगत होती है वैसी रंगत बनती है। यदि फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि उनका काम ही है कि खाना पीना घूमना मौज मस्ती करना, तो जैसा फ्रेंड सर्कल होता है व्यक्ति वैसा बन जाता है। यदि आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि वो सामायिक भी करता है, प्रतिक्रमण भी करता है, जब भी करता है, यदि आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है तो आपके मन में भी आएगा कि इनकी आत्मा इतना सब कुछ कर सकती है तो मेरी आत्मा क्यों नहीं कर सकती। अने यदि आपने उस समय शुभ भाव भाए और शुभ भाव में यदि आयुष्य का बंधन हो गया तो निश्चित रूप से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। यदि गुस्से का भाव आया और राग द्वेष का भाव आ गया, किसी के प्रति गांठ बन गई और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उसका करना क्या चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। इसीलिए तो तस्य उत्तरीकरणम, उसको जो दोष लगे हैं उसको और अधिक क्या करना है, शुद्ध बनाने के लिए क्या करना है, प्रायश्चित करणम, प्रायश्चित करना है, आलोचना करनी है, प्रायश्चित। विसो ही करणम, ओ प्रायश्चित भी कैसा, जो प्रायश्चित तो करना ही है। जैसे कोई दीवार में कलर कर रहा है, अब उसने एक हाथ लगाया और आपको दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है, तो उसने कहा इसके ऊपर एक हाथ और लगाना पड़ेगा। वैसे ही इच्छामि इरियापतिक सूत्र है, उससे यदि काम नहीं हुआ है तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसका और एक हाथ लगाना पड़ेगा, कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। अब कोई भी दोष लगता है तो उसको करना ही पड़ता है। और विसोही करेणम, उस जो दोष लगा है
तो विशेष रूप से शुद्ध करने के लिए, अब विशेष रूप से शुद्ध करना है कैसे करोगे, सामायिक के द्वारा, जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, प्रतिक्रमण के द्वारा, पोषद के द्वारा। ये जो विशुद्धि, ये भी दो प्रकार की, द्रव्य विशुद्धि और भाव विशुद्धि। द्रव्य विशुद्धि मीन्स शरीर से, मीन्स स्नान करते हो आप लोग तब पानी शैम्पू आदि का यूज करते हो और उसके बाद तेल पाउडर आदि सब कुछ लगाते हो, ये तो है द्रव्य विशुद्धि। भाव विशुद्धि, भाव विशुद्धि के लिए आध्यात्मिक साधना करनी पड़ेगी। विसल्ली करेणम, ये जो विसल्ली मिस क्या है, यह है शल्य। जो शल्य है, शल्य तीन प्रकार के बताए गए हैं जैन वांग्मय के अंदर, माया शल्य, निदान शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य। ये तीन प्रकार के शल्य हैं। माया शल्य मिस छल कपट आदि की वृत्ति, अपनी बात को ढकने की वृत्ति, वो क्या है माया शल्य। और उसके बाद ही निदान शल्य, निदान करना। यदि मेरी तपस्या का फल हो तो मुझे यह मिले, ये भौतिक कामना करना, यह निदान शल्य। और तीसरा है मिथ्या दर्शन शल्य। मिथ्या दर्शन, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार नहीं करना, वो है मिथ्या दर्शन शल्य। इस शल्य को निकालने के लिए एक क्या है, जो ये प्रायश्चित है वो सहायक बनता है। ये तीन शल्य है, माया शल्य, माला, उसमें व्यक्ति क्या करता, अपनी चतुराई दिखाता है। एक बार किसी बर्थडे, लड़के का बर्थडे था, तो उसके पेरेंट्स और उनके उनका लड़का भी गया, उसको एक प्रेजेंट भेंट की, और भेंट तो की, वो लोग चले गए, लड़के को वो पसंद नहीं आई। और माता पिता ने कहा कि कोई बात नहीं, कि इसको तो हम किसी का और का बर्थडे होगा तब दे देंगे। उन्होंने क्या किया, दूसरे का बर्थडे था उनको दे दिया। उनके घर में ऑलरेडी वैसे तीन थी, उसने सोचा अब क्या करे। अब जिसने पहले लड़के को दी थी, अब उस लड़के का बर्थडे आता है, तब उन लोगों ने क्या किया, वो ही प्रेजेंट किसको दी, उस लड़के को दी। अब उन लोगों ने सोच लिया कि अब क्या करे, कि अब ये किसी को देने में फायदा नहीं है, बच्चा खेले या नहीं खेले, इससे अच्छा तो हम दोनों ही खेल लेंगे। ये क्या है, माया शल्य है, निदान शल्य। ये जो निदान शल्य है, एक तो होता है कि मेरी तपस्या का फल हो तो मुझे ये मिले, एक तो ऐसा होता है कि मेरी तपस्या का फल हो तो मैं उसको मानने वाला बनूं। हमने जिक्र किया था भगवान महावीर की जीवनी में, विश्वभूति के भाव में क्या किया था, यदि मेरी तपस्या का फल हो तो मैं विशाख नंदी को मानने वाला बनूं, ऐसा निदान कर लिया। ये निदान शल्य है। और मिथ्या दर्शन शल्य, जो जैसा है वैसा नहीं स्वीकार करना। ये जो शल्य होता है, इस शल्य अच्छी बात नहीं है, इस शल्य को निकालना पड़ता है। यदि पैर में भी कांटा चुभ जाए और अंदर घुस जाए, जब तक न निकले तब तक शांति नहीं मिलती है। वैसे ही जो ये शल्य है, ये शल्य निकल जाने के बाद, ये तीन प्रकार के शल्य, माया, निदान और मिथ्या दर्शन, तीन शल्य से दूर कैसे हो सकते हैं, प्रायश्चित के द्वारा। तब व्यक्ति को क्या मिल सकती है, शांति मिल सकती है। पावाणम कम्माणम, निखाए नठाए, पावाणम कमाणम इस पाप कर्मों का
निकाय नठाए नाश करने के लिए थामी यानी करता हूं करती हूं। काउसगम कायोसर्ग यानी ध्यान, इसके लिए मैं क्या करूंगी, कायोसर्ग करूंगी। अन्यथ इन आगारों के बिना, एक कौन से आगार है, ये मैं सब करने तो जा रही हूं लेकिन इन आगारों की मुझे छूट है। काफी को ऐसा मन में प्रश्न होता है कि कायोसर्ग भी करते हैं, कभी छींक आ जाती है, कभी खांसी आ जाती है, तो सोचते हैं कि मेरा कायोसर्ग भंग हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये सब आगारों की छूट है। उस सीएनम यानी उच्छ्वास, निज सीएनम यानी निश्वास, निश्वास उच्छ्वास में श्वास लेना, निश्वास में श्वास छोड़ना। योग शास्त्र के अंदर बताया गया है कि व्यक्ति दिन में, एक दिन में क्या करता है, 21,060 बार श्वास प्रश्वास की क्रिया करता है। और उसमें भी जब जब श्वास लेता है तब स की ध्वनि होती है और श्वास छोड़ता है तब ह की ध्वनि होती है। ये जो श्वास लेना और छोड़ना, ये सहज क्रिया है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। खांसीएनम यानी खांसी आए करना, छीएनम यानी छींक छींक आना, जंभाईएनम यानी जंभाई, इसको बगासे कहते हैं, उड्डू एनम डकार आना, वाय निस्तगेनम यानी अधो वायु। ये जो एक्टिविटी होती है तो इसमें दोष नहीं लगता है क्योंकि ये सब क्रिया सहज होती है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। बम्ब लिए चक्कर आना, पित्त मुच्छाए पित्त विकार जनित मूर्छा आना, सुहुमहिम सूक्ष्म यानी थोड़ा सा अंग मिस अंग, थोड़ा सा अंग का संचार हुआ हो, थोड़ा सा संचाली में संचार हुआ हो, थोड़ा सा शरीर हिला हो। सुहुमहिम सूक्ष्म खेल यानी श्लेष्म, श्लेष्म मिस जो नाक से पानी आता है, खेल मिस कफ जो मुंह से आता है, संचालहिम उनका संचार किया हो, सुमहिम सूक्ष्म दिट्ठिम यानी दृष्टि, संचालहिम यानी संचार, आप ध्यान में हो और ध्यान में भी आपने क्या किया है, थोड़ा सा देख लिया हो, उनका भी संचार कर लिया हो तो भी दोष नहीं लगता है। एवं आयहिम आगारहिम इत्यादि आगारों से अवग्गो भंग नहीं, अविदायो अविराहित अखंडित, जो इत्यादि जो आगार है मेरे, इससे मेरा भंग नहीं होगा, मेरा कायोत्सर्ग अखंड रहेगा। होच्यमेन काउसग्गो मेरा ध्यान यानी कायोत्सर्ग जाव यानी जब तक, जब मैं कायोत्सर्ग कर रही हूं मेरा कायोत्सर्ग कब तक रहेगा, अरहंताणम अरहंत भगवंताणम भगवान को नमोकारेणम नमस्कार करके, न पारेणम न पारु ध्यान संपूर्ण न करूं तब तक, यानी अंत में मैं अरहंत भगवान यानी नमस्कार महामंत्र न बोलूं तब तक। काय मिस काया को ठाणेणम, जो काया मिस शरीर, शरीर को मैं
स्थिर रखकर, मौनिनम मौन रहकर, कैसे रहना है, मौन रहकर, जानिनम ध्यान धरकर, अपानम वो सिरामी, आत्मा की पापमय प्रवृत्तियों को छोड़ता हूं। अपानम वो सिरामी यानी आत्मा का विस्तार करता हूं। आत्मा का विस्तार कैसे, आत्मा को कैसे छोड़ोगे, मीन्स आत्मा को छोड़ने का मतलब है कि आत्मा के द्वारा जो हिंसक प्रवृत्ति हुई है उसको मैं छोड़ता हूं। जब इरियापतिक सूत्र है, जो इरियापतिक सूत्र, उसमें भी क्या किया जाता है, कायोस्तर किया जाता है। और कायोस्तर में भी क्या करते हैं कि दोनों आंखें बंद कर एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं। एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीव की जो भी विराधना हुई है, जो भी दोष लगे हैं, किसी को कुचला हो, किसी को लांगा हो, उसकी शुद्धि के लिए क्या किया जाता है, उसकी शुद्धि के लिए इरियापतिक सूत्र का कायोस्तर किया जाता है। और उससे आगे बताया गया है कि कायोस्तर प्रतिज्ञा है, उसमें क्या किया जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो दोष है, दोषों का अवलोकन करना, उनके लिए प्रायश्चित करना, उसके लिए कायोस्तर प्रतिज्ञा की जाती है। तो आज हमने कायोस्तर प्रतिज्ञा के बारे में चर्चा की। यदि किसी भाई बहन को कोई भी जिज्ञासा हो तो हम उसका समाधान भी करेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।